वालेकुम व्यूवर्स, आज आपका शेफ आपके अहमद आपके सामने हैं। आज हम विंटर चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। टमाटर, मुर्गी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पाउडर, गरम मसाला, और ये टमाटर है और अदरक लहसुन का पाउडर है, गरम मसाला है, काफ़ी चीज़ें ये देख सकते हैं आप। चिकन है माशाल्लाह से, और हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं जी। और आज ये मेरी वाइफ आपके सामने बनाएंगी, और ये देख रहे हैं आप, गरम मसाला कुटा हुआ है जी हाँ साबुत, और ये कसूरी मेथी है, और ये धनिया पाउडर है, अदरक लहसुन का पाउडर है जी, और ये आई थिंक मेरे ख्याल में गरम मसाला है और धनिया पाउडर है जी, और ये सारी चीज़ें इंग्रीडियंट्स इसमें हैं, और ये मेरे ख्याल में आई थिंक 1 टेबल स्पून है जी। और ये अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी वाइफ, क्योंकि हमारा अहमद फैमिली फूड है तो मेरी वाइफ भी कुकिंग करती हैं, और वो देखें इस वक्त अब विंटर चिकन कढ़ाई बना रही हैं, और उसमें उन्होंने चिकन को अब वो भून रही हैं आप देख सकते हैं, और ऑयल उन्होंने 4 टेबल स्पून डाला है, रिमाइंड कर रहा हूँ 4 टेबल स्पून उन्होंने ऑयल डाला है, और चिकन तकरीबन आधा किलो चिकन है जी। अब आप देख सकते हैं कि वो माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से उसको भून रही हैं, और बहुत अच्छी रेसिपी है ये विंटर चिकन कढ़ाई, डिफरेंट है। टमाटर उन्होंने 4 डाले हैं, लंबे और बारीक और लंबे कटे हुए, आप देख सकते हैं कितने सफाई से माशाल्लाह से उन्होंने काटे हैं, और देखें अब वो इसके बाद जितने मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले अब ये उसमें से इन्होंने सिर्फ आप गौर से देखें ये 4 डाले हैं जी, 5 आई थिंक 5 मसाले उन्होंने एक साथ डाले, कसूरी मेथी और गरम मसाला उन्होंने छोड़ दिया जी, बाकी सारे मसाले जो आप देखा था इंग्रीडियंट्स में मैंने आपको बताए थे उसमें से 5 उन्होंने डाले हैं। अब ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगी, और उसको 10 मिनट के लिए उन्होंने छोड़ दिया। 10 मिनट के बाद अब आप देखें कितनी अच्छी उसकी शक्ल आ गई है कढ़ाई की, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त धीमी धीमी खुशबू आ रही है, धुआं उठ रहा है माशाल्लाह से बहुत अच्छी। अब वो साबुत हरी मिर्चें इसके ऊपर जो काटी थी वो डाल रही हैं, और आप देख सकते हैं बहुत प्यारे से तरीके से नफासत से, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी कढ़ाई ये लग रही है। और क्योंकि ये चैनल मेरी और मेरी वाइफ का है तो मेरी वाइफ भी कुकिंग करती हैं, और बहुत अच्छी माशाल्लाह से कुकिंग करती हैं, तो आप ज़रूर अच्छे से अच्छे कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अब कसूरी मेथी और गरम मसाला वो इसके ऊपर डाल रही हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने डाल दिया माशाल्लाह से, और कढ़ाई जो है काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, बिल्कुल एंड पे है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये तैयार होकर खड़ी हो गई है इस वक्त, रेडी है कढ़ाई माशाल्लाह से, विंटर चिकन कढ़ाई, और अब हरा धनिया डाल रही हैं, और बहुत अच्छी बहुत लजीज है माशाल्लाह से, ज़रूर खाएँ। और ये देखें अब वो माशाल्लाह से तैयार हो गई है, हमने प्लेट में सर्व किए, कितनी अच्छी उसकी शक्ल आई है, और बहुत अच्छी कढ़ाई है, बहुत ज़बरदस्त, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत लजीज़ है। अब ये हम सर्व कर रहे हैं, देखें आप देख सकते हैं वो सर्व कर रही हैं माशाल्लाह से, और हमारी प्यारी बेटी ईशा आपको आगे बताएगी कि कैसी कढ़ाई है ये, तो ईशा बताओ। और ये ईशा ने देख रहे हैं अब इशारा किया है, बहुत अच्छी बहुत लजीज कढ़ाई है, देखें कितनी अच्छी शक्ल है उसकी, प्रॉपर मसाले हैं बिल्कुल हर चीज़, ये चिकन प्रॉपर भुनी हुई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी कढ़ाई है, बहुत अच्छे ये फ्राइज़ तले हैं इसके साथ, बहुत अच्छी डिश है, आप पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं, घर में भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट से आपके सामने आएंगे किसी भी डिश के साथ। खुदा हाफ़िज़।